हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी गेहूं के आटे का और आलू का बहुत ही ज़्यादा नया और टेस्टी एक नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आटा लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिए लिए हैं गेहूँ का आटा, जिसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच के करीब तेल और पानी ऐड करके नॉर्मल रोटी की तरह या फिर पराठे की तरह हम आटा लगा लेंगे। एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें शाम को नाश्ते में, या फिर सुबह भी आप खा सकते हैं इसे। तो आटा हमारा गूंद चुका है, अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आपके हिसाब से आप छोटे या फिर बड़े तरीके से लोई बना लीजिए। तो सभी लोई मैंने बना लिए हैं। इनके ऊपर से मैं थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और हमें बेलने में भी आसानी होगी। सूखा आटा या फिर तेल लगाकर आप बेल लीजिए, थोड़ा सा पतला करके बेल लेंगे रोटी की तरह। तो रोटी मैंने बेल लिए है, अब इसे हम सेक लेंगे तवा पर। मीडियम हीट पर दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन स्पॉट आ जाने तक हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट लग ही जाएंगे। तो इसी तरीके से सभी रोटियों को हम सेक लेंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने तेल लिए हैं। स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे नमक या फिर 1.5 टीस्पून के करीब। 2 प्याज चॉप की हुई। प्याज को मैं मीडियम टू हाई हीट पर हल्की सी ब्राउन और सॉफ्ट हो जाने तक बस फ्राई कर लूँगी। तो प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटा हुआ सूखी मिर्च, आप ऐड कर सकते हैं घर में ही बनाकर। ऐसा मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं, 1 चम्मच के करीब टमाटो सॉस। मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। प्याज को आप बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, हल्की सी ब्राउन स्पॉट हो जाने तक और सॉफ्ट हो जाने तक ही आप इसे बस फ्राई कर लीजिए। बॉयल और मैश की हुई आलू 1.5 कप के करीब है। आलू को हम मसालों के साथ 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कढ़ाई में भून लेंगे मीडियम हीट पर। बीच बीच में चलाते हुए आलू को अच्छे तरीके से आप भून लीजिए। इस आलू को आप सैंडविच के ऊपर भी लगा सकते हैं। आलू को अब हम ठंडा होने देंगे। तब हम बना लेंगे हमारे इंडियन स्टाइल में टैकोस। तो उन्हें बनाने के लिए मैंने अमूल का चीज़ स्प्रेड लिए है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं आपकी पसंदीदा। पहले तो हम रोटी को लेंगे, उसमें 1 चम्मच जो चीज़ है चीज़ स्प्रेड, उसे हम स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। तो चीज़ हमने रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लिए है। एक साइड में हम आलू की जो स्टफिंग है उसे लेंगे। अच्छी तरीके से मैंने इन्हें फैला दिए हैं। अब दूसरी जो रोटी की फोल्ड है इसको हम आलू के ऊपर देकर चिपका देंगे दोनों साइड्स को। अब इन्हें हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। तवा पर मैंने हल्का सा तेल ले लिए हैं 1.5 चम्मच के करीब। मैं 2 टैकोस दे दूंगी एक साथ ही। इन्हें मीडियम हीट पर 1.5 से 2 मिनट के लिए दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन स्पॉट आ जाने तक बस फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए चीज़ हमारी इस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है इसकी। तो दोनों साइड से ही हम इसे हल्का सा ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे।
तो ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं तेल से उठा लूँगी और इन्हें गर्म ही हम सर्व करेंगे सुबह या फिर शाम को। आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी है। और चीज़ इस तरीके से देखिए मेल्ट हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगी आपको वीडियो। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।